रहे हैं कबाब, ये अम्मी ने बना के भेजे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। और ये चिकन वाले पकौड़े बन चुके हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, लिंक मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो है ना, ये बेनासो को पिछली दफ़ा बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी, बाजी को भी, फिर मैं ये ढेर सारी दुआ करनी है। अमना का गला खराब हुआ है और अल्लाह पाक से सेहत दे, साथ में इसको टेम्परेचर भी है, हीटर लगा। मामा ये आपको पूरा आएगा? आ जाएगा बेटा, मैं फसा ला। नहीं आए नहीं बेटा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज है जी मुकद्दस की सालगिरह। हमारा जी प्रोग्राम तो ये था कि बाइट हम जाएंगे डिनर करने के लिए, क्योंकि एक आपने जैसे पहले वीडियो देखी है, हमने एक दिन पहले मुकद्दस को सरप्राइज दिया था और केक हमने कट कर लिया था, और आज बस डिनर करने के लिए जाना है बाइट। तो बाजी फखरा की कॉल आई थी, कह रही थी कि मैंने मुकद्दस को विश करने के लिए आना है, खाना तो नहीं, फिर ये है कि चाय का थोड़ा बहुत ज़रा अच्छा इंतज़ाम करते हैं। तो चिकन वगैरह मैंने मंगवा लिया है, उसको मैंने जी जो चिकन पकोड़ा होता है ना उसका सामान मैंने बना दिया है, साथ में चने वाली चाट बना रही हूँ रेड लोबिया वाली, और पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर कर दिया है, और साथ में स्पेक्टी मैंने बना ली है, ठीक है। अब बस ये चीज़ें जो हैं गरम गरम, मेरा दिल है क्योंकि बाजी ने कहा था कि हम पूरे 7 बजे आ जाएंगे, तो अब ना बस तकरीबन आप कर लें कि फाइनल है, मतलब बनी बड़ी हैं, बस कबाब फ्राई हो रहे हैं। तो अब ऐसे करती हूँ कि जैसे जैसे क्लिप शूट करती हूँ वैसे वैसे जी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। सर मैं किसी को सरप्राइज दे रही हूँ, आज तक मैंने किसी को भी सरप्राइज नहीं दिया, और देखते हैं कि मुकद्दस का क्या रिएक्शन होगा। अच्छा जी, ये मैं क्लिप आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि लास्ट वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आया था कि आपने हमें 5 साल का बच्चा समझा हुआ है, मुकद्दस की आपकी शूटिंग कर रही होती है, मुकद्दस को ही आप सरप्राइज दे रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, ठीक है। ये मलिक साहब ने स्टार्टिंग की थी और वो मिरर में नज़र आ रहे थे, तो फिर यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग दोबारा की थी जो कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी, ठीक है। और सरप्राइज मैंने फर्स्ट टाइम किसी को दिया था और वो भी झूठ का देती, तो फिर क्या फ़ायदा। मैंने आज तक प्रैंक और इस तरह के काम वैसे किए ही कभी नहीं आपने चैनल के ऊपर। यहाँ पे सुबह सुबह ब्रश किया जा रहा है, आमना इधर देखो क्या कर रही हो, ब्रश कर रही है। ये निक्की मेरी को करना को नहीं आता, ये बस उसकी देखा देखी ना कि आमना करती है, तो वो भी जैसे उसने करना है वैसे ही इब्राहिम ने भी करना है। ये यहाँ पे ब्रश चल रहे हैं, और अभी ये देखिए ये ब्रश चल रहा है। आमना भी रेडी हो गई है, बच्चों को जी मैंने शावर दिया है, और आमना के लिए आपने ढेर सारी दुआ करनी है। आमना का गला ख़राब हुआ हुआ है और अल्लाह पाक से सेहत दे, साथ में इसको टेम्परेचर भी है, हीटर लगा के इधर ही रखा हुआ है। मैंने कहा जरा ना रजाई में बैठी रहे, छोटी रखी है ये, बड़ी मैंने उठा के यहाँ पे रखी है, ये मैंने कहा ऊपर रखवाती हूँ, जरा ना यहाँ से ज़रा रश जो है ना वो कम हो जाए। इब्राहिम भी तैयार हो गया है, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, कह रहा है यही जहाँ से जी ये वाली रजाई उठाएं। अभी मैंने झाड़ू लगाया और मैंने कहा छोटा छोटा से गंद सा नज़र आ रहा था, वाइट है ना सर में फ्लोर तो बहुत जल्दी मैला होता है, छोटा सा भी कोई बाल भी गिरा हुआ ना वो भी नज़र आता है, तो बस ये झाड़ू लगाया है। मैंने कहा बच्चों का क्लिप ले लेती हूँ, फिर मैंने किचन में लग पड़ना है काम करने, और शावर का जी दिया है बच्चों को, इब्राहिम की कटिंग करवाई है, देखा कितनी हसीन लग रही है। ये जी मैं लेकर आई थी मदर केयर से इब्राहिम के लिए ना, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आपने बच्चों के कपड़े लेने होते हैं ना, अच्छा ये जो है ना मालो सरगोदा, उसमें इनकी शॉप ओपन हुई है तो वहाँ से लिया करें, बड़े अच्छी क्वालिटी के ना कपड़े होते हैं इनके पास। अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो लाजमी मंगवाइएगा। और उसकी गाड़ी देखें कहाँ पर चल रही है, वो असल में वहाँ पर थी ना, मैंने कहा यहाँ से ना रजाइयाँ उठाती हूँ क्योंकि ना थोड़ी देर तक बस बाजी लोगों ने आ जाना है। आमनी आप ठीक हो? हमने भी सोना तो लग गया, लेकिन ये गला खराब हो गया हमारा। अच्छा गया, ऐसे हैंडी रखते हैं, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे गुड। और ये दिखना कितनी अच्छी लग रही है, कटिंग में तो बहुत ज्यादा अच्छी। ये जी पिज्जा मंगवा लिया एक, और साथ में बन रहे हैं कबाब, ये अम्मी ने बना के भेजे थे, बहुत ही ज्यादा मजे के हैं। और ये चिकन वाले पकौड़े बन चुके हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, लिंक मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो है ना, ये बेनासो को पिछली दफ़ा बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी, बाजी को भी, फिर मैं ये दोबारा से ना चने वाली और ये रेड लोबिया वाली ना चाट बना रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये भी साथ में बना लेती हूँ, और साथ में जी बनाई है स्पैक्टी, ये अब बस गर्म करनी है, और बस
अभी जी मैंने चना चाट ही बनाई थी तो साथ ही में बाजी भी आ गई थी और बस लाउन दुआ की है और मैंने सबसे पहले चीज़ें वगैरह रखी हैं। मैंने कहा बाजी हर चीज़ जो है वो गर्म है। अच्छा यहाँ पे मैं नेस्ट कोला दिखा रही थी कि दूर से आपको रखे हुए शायद कोका कोला नज़र आ रही हो लेकिन नेस्ट कोला होती है, मतलब कोका कोला नहीं, मैं अपने घर में नहीं लाती और ना ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है माशाल्लाह सारी चीज़ें गर्म गर्म थी और यहाँ पर बैठे हैं सब बस खा पी रहे थे। आमना को अंदर रूम में ही मैंने दे दिया था, मैंने कहा वो रज़ाई में बैठी हुई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वहीं पे खा ले। और माशाल्लाह माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश और मज़े की थी, सब ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, ख़ास तौर पे चिकन पकोड़ा की। और यहाँ पे जी इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन जा रही थी और इमरान खान के हवाले से डिस्कशन जा रही थी, उनकी छांटी चल रही है कि कोई मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप बस आ जाओ मिलकर चाय पियेंगे मज़ा आएगा। तो फिर उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि फिर तुम कहोगी कि कोई गिफ्ट नहीं चाहिए फिर मैं अपनी मर्जी से लेके आऊँगी। फिर वो कहती हैं कि गिफ्ट रात को, फिर मुझे दोपहर को मैसेज आया गिफ्ट चाहिए कि नहीं। मैंने कहा चले फिर जो हिजाब हैं आपके पास वो ले आए, तो हिजाब भी आए और साथ दो और चीज़ें भी आएंगे तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हिजाब के साथ मैंने उनसे स्पेसिफिकली कहा था कि अगर ला रही हैं तो मैग्नेट्स और ये पिंस ले आए, क्योंकि ये तो ऐसे गायब हो जाती हैं ना घर से, जैसे कभी थी नहीं, मुझे ऊपर मिली नहीं। मैं इवन के परसों ऐसे ये जितनी भी हिजाब की पिंस हैं और साथ ये इयर रिंग्स वगैरह और ये दूसरी टाइप की पिंस और पेंडेंट्स और इस तरह की चीज़ें, खाला को पता है, और इयर रिंग भी, ये भी मैंने अभी निकाली थी, उनको पता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद है अभी भी, तो मुझे लेके देती हैं सर। और वो भी दिखाओ ना, वो ब्लैक में दिखा, ये दिखाए हाँ। अच्छा, और इसके बाद है ये क्या नाम है, ये इयर रिंग्स हैं प्यारे से, और ये इसको आप एज अ बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डबल नेकलेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और उसके बाद हिजाब्स में हिजाब अच्छे खासे हैं सिल्क के। अच्छा, ये वाला मुकद्दस काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, जैसे ना फैंसी होती है ना वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ना हिजाब, और ब्लैक हिजाब। उसके बाद इस कलर में, इस कलर के जितने हुक्म हैं, गर्म हिजाब, सिल्क के हिजाब, ये सारी चीज़ें मैंने कहा था कि मुझे चाहिए होंगी क्योंकि मैं अक्सर पहनती हूँ, और ये गर्म वाले हिजाब, ये जैसे मुकद्दस का ये सूट इसने पहना है बिल्कुल सेम इसके साथ मैच हो रहा है। उसके बाद इस कलर में बहुत ही प्यारे, ये जैसे वूल में है ना जी। और उसके बाद हिजाब कैप्स भी, हिजाब कैप्स भी और आ गई मुकद्दस की। उसके बाद सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, हिजाब तो खैर थे बहुत अच्छे और उसके बाद ये बहुत अच्छी हैं, ये आउटफिटर से खाला लेकर आई है मुकद्दस का। ये खाला ने मुझे गिफ्ट किया है कोट, ने कहा था कि आप ब्लैक बहुत ज़्यादा पहनते हो तो ब्लैक में ये, और साथ ये जैकेट में का ही है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैंने जितने बैग्स मंगवाए हैं अब वो अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे वो आ जाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्टाइलिश है। ये मुकद्दस को ज्यादा पसंद आया, मुकद्दस वो वाला मुझे दे दो। नहीं वो भी मेरे, मुकद्दस मैं तुम्हारी मां हूं। मामा ये आपको पूरा आएगा, आ जाएगा बेटा, मैं साल आ गई, नहीं बेटा नहीं, मैं तुम पा के बड़ा चेक करो एलो ए वो कल केक नहीं था आया सकाफत वाला, सकाफत वाला जो केक था इस तरह जो बॉक्स होता है ना ऐसे, सॉरी वो हम केक काट बैठे हैं तो उसका बॉक्स पड़ा हुआ था किचन में, तो हम गए हैं कि लियो कहा है, लियो कहा लियो उसके अंदर सोया हुआ, आम ना उठा के तो उसको ऐसे ही उठा के ला के इधर रख दिया, तो कल ये उसमें सोया रहा, ये कल सारा दिन उसी में सोया रहा। और ये देखो जैसे चेकिंग कर रहा है, इसमें कुछ खाने के लिए लियो निन्नो निन्नो। तो मैं बता रही हूँ कि अगली बार हम किताबें बताए दिखाएंगे कि हमने कितनी किताबें ली। अभी मुकद्दस ने कहा कि मैंने बुक्स लेनी है मामा। अच्छा ये आज जो हम खाने पे भी नहीं ना गए, एक तो खाला ने मतलब के मना कर दिया था कि नहीं जाना, और हम मैंने भाई घर में ही आना है, फिर मैंने उनको कहा कि चलें थोड़ा लेट आगेगा ताकि फिर ना खाने का ही हो टाइम, तो जो चीज़ें वगैरह मैं बना लूँगी घर पे। और एक ये मुकद्दस ने कहा था, ये तो कह रही थी कि मामा आपने केक भी रहने दें, मैंने बुक्स लेनी है, तो मैंने कहा चलो तुम बुक्स मंगवा लेना, तो केक मैंने तो वो वैसे ही सरप्राइज इसको दिया था, इसको तो केक का पता ही को नहीं था। पहली बार हुआ, पहली दफ़ा हुआ।
चैनल हमारा पिछले 3 साल से है, लेकिन ये पहली बार, ये पहली दफा। देख लो मामा ने अकेले अरेंज कर लिया था, तुम ऐसे अकेले अरेंज कर सकती हो? यार ना मैं बाहर जा सकती हूँ पापा के साथ, मतलब इस तरह का। मैं आपको जारी बात है, मैं आपको वजह बताऊंगी मैं क्यों जा रही हूँ। मैं आपको क्या कहूँगी, आधी रात को मैं टेलर से कपड़े पकड़ने जा रही हूँ, आराम से मैं टेलर से कपड़े पकड़ने जा रही हूँ। तुम ये भी तो कह सकती हो, मामा मेरा ना मैंने कॉलेज की कोई चीज़ लेनी है, अगली बार तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूँगी पापा के साथ। लेकिन पापा मुश्किल है ना मेरी बात मानने, ये भी है। पापा भी कहेंगे मामा से जाके पूछो पहले, मेरे वालदैन में इतना इत्तेफाक है कि मेरे मामले में स्पेशली वो एक दूसरे से पूछते हैं कि करना है कि नहीं करना, फिर वो डिसाइड होते हैं। और हैप्पी बर्थडे कौन कहेगा? इसने ये देखो ना, सही तुम्हारे साइज की है। अभी मैंने नीचे को 10-15 शर्ट्स पहनी है, इसलिए आपको लग रहा होगा मतलब बहुत टाइट है, लेकिन ये अपने आप में बहुत गर्म है और बहुत कंफर्टेबल है। तो मेरा ख्याल है कि इसके नीचे आपको बहुत ज्यादा शर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि वेदर तबाहकुन हुआ बस माशाल्लाह, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच, अच्छे यूजफुल गिफ्ट्स के लिए, और हिजाब भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है। उसको क्या काम है ये भी पूछ लें। अब उसने कुछ खाने के लिए लेना होगा, क्योंकि ना जितना वो माशाल्लाह खेल रहा है ना, तो उससे मुझे लगता है कि भूख लगी। मतलब जब आए हुए थे खाला लोग, उसके बाद हम लोग चाय वगैरह पीने बैठे हैं तो ये गायब हुआ है। फिर हम उधर इतना बिजी थे कि हमने देखा नहीं कि किधर गया, यू नो लेडी स्टॉक। उसके बाद ऊपर गए हैं पापा, आई थिंक सो को कपड़े वगैरह लेने हैं, तो ऊपर कंबल वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये भाई उसके अंदर बैठ के सही फैला के हर चीज सोया हुआ था आराम से। पापा कहते जरा इधर आके देखो कार क्या रहा है, ये फुल ऐसे जैसे लमलेट नहीं हुआ, इनकी में कुछ हो गया, ऐसे सोया हुआ था ये, इतने मजे से ये सोया हुआ था, उसका पेट भरा हुआ था ना, इसने चिकन खाया, चिकन चिकन खा के ये गया हुआ था आराम से। तो ये भाई उधर सोते हैं और अब क्लीनिंग सेशन शुरू हुआ है, सफाई सफाई कर रहे हैं। उसके बाद ये हीटर के ऊपर आके सामने बैठ जाएगा, अब ये हीटर के आगे सोएगा, अब ये बस हीटर है इस तरह से। असल में ना बाजी और आए हुए थे भाई नासर, तो वो जरा मतलब चेंज हो ना लोग, तो ये ना साइड पे चला जाता है, तो आराम से ये जाके चिकन वगैरह खा के ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये सोया रहा है। जब वो चले गए हैं तो अब मुकदस इसको नीचे लेके आई है, वो भी इसके बाबा ने जाके ऊपर देखा है कि भाई ये ऊपर ना रजाई में और कम्बल में ना आराम से ऐसे सही फ्लैट हो गया ना ये सोया हुआ था। तो माशाल्लाह बाजी आई थी और बाजी मुकद्दस के लिए बड़े अच्छे जैकेट्स लेकर आई, हिजाब वगैरह, पिन वगैरह, काफी मुकद्दस की सारी फेवरेट चीजें, सारी पसंद की, मेरी जरूरत की चीजें, जरूरत की चीजें जो इसे पसंद है, और काफी माशाल्लाह अच्छे गिफ्ट थे बाजी ने दिए मुकद्दस को, और वो बड़े इसको पसंद आए हैं। की उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।